मोहम्मद रिजवान का एहतराम या फिर कोई और मामला है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास के हवाले से चमगोइयां की जा रही हैं। मोहम्मद रिजवान का एहतराम करने के हवाले से कुछ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। जैनब अब्बास कौमी खिलाड़ियों के पास जाकर सवाल करती रहीं, लेकिन इस दौरान जब मोहम्मद रिजवान की बारी आई तो उन्होंने मामूल से हटकर ऐसा क्या किया जिस पर सोशल मीडिया पर बात की जा रही है। पीसीबी की जानिब से कौमी टीम को दिए गए अशाइये में जैनब अब्बास इंटरव्यू के दौरान क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का एहतराम करते हुए उनसे बातचीत के लिए उनके पीछे चली गई। सोशल मीडिया सार्फीन जैनब अब्बास के इस अमल को सहराते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं। पीसीबी ने कुछ दिन कबल 2021 के अख्ताम में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की जिसकी मेज़बानी जैनब अब्बास कर रही थी। दौरान तकरीब जैनब अब्बास कौमी टीम के खिलाड़ियों के पास जाकर कुछ सवाल पूछ रही थी। इस दौरान जैनब जब मोहम्मद रिजवान के करीब पहुंची तो वो क्रिकेटर की पीठ की जानिब हो गई ताकि रिजवान खुलकर बात कर सकें और अपना मौकफ दे सकें। जैनब अब्बास के इस अमल को सोशल मीडिया के सार्फिन की जानिब से अच्छी निगाह से देखा जा रहा है और उनकी तारीफ की जा रही है। वादे रहे कि चंद रोज़ कबल मोहम्मद रिजवान का एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर सामने आया था जहां पर उनसे ख़ास तौर पर ख़वातीन की फ़ैन फॉलोइंग और उनकी ख़वातीन फैंस के हवाले से सवाल किया गया। सवाल ये किया गया कि ख़वातीन फैंस आपको फ़ोन तो ज़रूर करती होंगी या मैसेज करती होंगी, तो आप उनका जवाब कैसे देते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं ख़वातीन से बात नहीं करता और मैं उनका एहतराम करता हूँ। एक इंटरव्यू के दौरान ख्वातीन के साथ तस्वीर ना लेने की वजह भी उन्होंने बताई। उनसे ये पूछा गया कि वो ख्वातीन के बारे में इतने शर्मीले क्यों हैं, तो रिजवान ने कहा कि ये शर्मिंदा होने के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाती होती हैं और मैं इन पर बात नहीं करता। हर खिलाड़ी की अपनी ज़ाती वजूहात भी होती हैं, लेकिन मैं ख्वातीन का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ और मैं ये नहीं समझता कि मैं इतना बड़ा स्टार बन चुका हूँ कि ख्वातीन के साथ मैं तस्वीरें लूँ। इसी बायस जैनब अब्बास ने जब मोहम्मद रिजवान से सवाल पूछा तो वो उनके सामने खड़े होने की बजाय उनकी पीठ की तरफ जाकर खड़ी हो गई।